गैस, मैं दिल्ली के एक छोटे से स्लम एरिया में हूँ जहाँ बुराड़ी दिल्ली से थोड़ा सा दूर है। वहाँ मैं मिलने आया हूँ हमारे एक एथलीट से, एक चैंपियन से, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको दिखाया कि चैंपियन लोग कैसे रहते हैं। बहुत सिंपल लिविंग होती है इनकी। तो मैं आपको उनका घर दिखाने वाला हूँ, उनकी शॉप दिखाने वाला हूँ, उनका स्टोर दिखाने वाला हूँ, उनके अचीवमेंट दिखाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ही मैसेज देने वाला हूँ कि अगर आप अपनी माँ की सेवा करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं जैसे कहते हैं आपको पूरा उनका टूर दूंगा कि वो क्या रहते हैं, क्या उनका सब कुछ है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने देख सकते हैं मैंने मास्क पहन रखा है बिकॉज़ हम एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में आए हैं। बट आपको पता है आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ, मुझे निकलना ही था सड़कों पर टू कवर ऑल माई एथलीट। सो हम निकल पड़े हैं, भाई उनका देखते हैं। ओके, तो ये है राज की मॉम और ये है हमारे राज भाई। तो आपसे मिली लिए तो गए, हम उनके घर आए हुए हैं। थोड़े यहाँ पे पहले कभी शूटिंग हुई नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उनकी गली में है। तो आइए उनका घर देखते हैं कि चैंपियंस कहाँ बनते हैं। तो लेट्स गो। राज भाई आपको मेरे साथ चलना होगा बताते हुए। अच्छा, ये आपकी दुकान है। तो ये राज भाई आपकी दूसरी ये शॉप है आपकी। तो यहाँ पे कौन बैठता है? मम्मी कभी कभार मम्मी बैठ जाती है, जिसको टाइम मिलता है बैठ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी मम बैठे। तो ये हमारी आप देख सकते हो, देखिए इसको क्या कहते हैं, परचून की दुकान। परचून की दुकान, इसको परचून की दुकान कहा जाता है, करियाने राशन की दुकान। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनका एक दूसरा काम भी है। यहाँ पे चल रही इसको आगे चलता है। ये देखो साथ चलते हो, कब से रह रहे हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ 2004 से रह रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गया आपको। पहले मैं बचपन तो मेरा वहाँ राणा प्रताप बाग में गुजरा है। अच्छा, आप देख सकते हो गाइस ये चैंपियंस ऐसे रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे चौथा घर है आपका? चौथा पांचवा घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी से स्कूटर ही जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम जाने वाले हैं इनके घर पे। आई इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कैसे आपको पता है मैं आपको ऐसे दिखाता रहता हूँ कैसे चैंपियंस का लाइफस्टाइल होता है, कैसे वो रहते हैं। दिस इज गोना बी क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। तो भाई देख भाई, चप्पल उतारनी होगी? तो ये इनका घर। तो कैसे आप आ गए राज भाई के घर में? तो राज भाई एक टूर तो दीजिए, कैसे रहते हैं देखिए। ये आपका कमरा है जी, इससे ऊपर इस सब बाहर वाले में मम्मी पापा, फिर ऊपर छोटा वाला भाई। अच्छा, ऊपर छोटे वाले भाई रहते हैं। वाह, तो देख सकते हो चैंपियंस हमेशा आपको ऐसे सिंपल लिविंग में दिखेंगे। ऊपर इनका नीचे देख सकते हैं इनका पग है, अगर आपको लग रहा है क्या कर रहा है। सर ब्यूटीफुल पैक किया है। तो भाई ये तो बहुत सिंपल लिविंग है भाई। तो कब से रह रहे हो यहाँ पे आप? सर मैं 2004 से रह रहा हूँ यहाँ पे, लगभग पंद्रह साल हो गए। 15 साल से आप यहाँ रह रहे हो? अच्छा, लेकिन आप देख सकते, लेकिन राज भाई तो आपके बहुत बढ़िया बेटे निकले, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बेटे भी बढ़िया, बहू भी ठीक है मेरी दोनों। ये आपने कमाया है जिसे कहते हैं ना इतने सालों की मेहनत से। ये एक इतने बड़े और इतने अच्छे एथलीट हैं कि मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा। क्यों? बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो बहुत ही डीप मैसेज है। वो ये कि अगर आप अपने पेरेंट्स की सेवा करोगे उनकी ओल्ड एज में या कभी भी, आपको दुनिया की कोई ताकत भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। आप जैसे अब इन्हीं का एग्जांपल ले लीजिए। इनकी मॉम अगस्त में लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, और बीमार पड़ने से इनको कम 45-50 लाख का खर्चा हुआ इनका।
रोज़ आते थे, 20 से 25 हज़ार हॉस्पिटल को देते थे, और गाड़ी के नीचे सोते थे, गाड़ी में सोते थे, ऊपर आईसीयू में इनकी वाइफ सोती थी। गाड़ी में सोने के बाद अगले दिन सुबह ये ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग बिकॉज ट्रेनिंग करनी तो बहुत ज़रूरी। और इतने हालात ऐसे हो गए थे, इनकी गाड़ी बिक गई, इनका जिम बिक गया, सब कुछ बिक गया, लेकिन इनका एक ही दिमाग में था कि मेरी मॉम किसी तरीके ठीक हो जाए। और जब मॉम ठीक हुई नवंबर में, तो देखिए भगवान माँ के आशीर्वाद में कितना दम होता है। जनवरी में इन्होंने पीटीस करनी शुरू करी दिसंबर में, और जनवरी में आज उनकी अपनी सप्लीमेंट की शॉप है। और इस लॉकडाउन में भी जब हम वीडियो बना रहे हैं उसमें भी उनको कोई असर नहीं पड़ा, इनके पास इतनी पीटीस हैं कि इनका बिज़नेस प्रॉस्पर कर रहा है। तो मैं उन्हीं की शॉप में आया हूँ और उन्हीं से आपको मिलाने वाला हूँ। जैसे कहते हैं ना, आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, बिकॉज यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और उनका ध्यान रखिए, बिकॉज वो पूरी ज़िंदगी हमारा ध्यान रखते हैं। सो आइए अब उनसे मिलते हैं। तो ये है हमारे राज भाई। सो राज भाई, वेलकम अगेन टू द शो। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हम चाहते हैं जिम जल्दी से जल्दी खुले। तो ये है राज भाई, आज हमने इनसे ढेर सारी बातें करनी। और हाँ, इनको मैं पहले भी फीचर कर चुका हूँ, उन्होंने अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी करी थी, लेकिन वो आज से 1.5 साल पहले की बात है। और 1.5 साल में क्या हुआ इनके साथ और कैसे इंस्पायर करने वाले हैं, देखते हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं। तो मेरे साथ हैं आज राज भाई। सो राज माथुरी मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, मिस्टर दिल्ली भी, काफ़ी कॉम्पिटिशन खेलते हैं। और इनका हमने इंटरव्यू करा था आज से 1.5 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आए थे हमारे जिम में। सो भाई राज भाई, उससे कुछ फ़र्क पड़ा जब इंटरव्यू लास्ट टाइम करा था? जी सर, उससे बहुत फ़र्क मिला था। जो मेरा इंस्टाग्राम का ग्राफ था वो भी ऊपर गया, लोगों की इंक्वायरीज भी आई, मेरे पास बहुत सारे फॉर्म भी आए गए। आपका वीडियो देखा तरुण गिल साथ सर के साथ में, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी मुझे। आपका मतलब खर्चे थोड़े कम, तो मतलब कुछ हेल्प तो मिली, कुछ पैसे वैसे कमाने में हेल्प मिली नहीं मिली? बिल्कुल, पैसे वैसे कमाने में भी बहुत हेल्प मिली थी सर। बड़ी, क्योंकि क्या है ना, लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए होती है, अगर आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप उनको दे सको, हेल्प कर सको, जेन्युइनली हेल्प कर सको, तो वही बुनियाद है, और ट्रेनर को भी कुछ हेल्प मिल जाती है। तो उसके बाद हम टच में नहीं रहे काफ़ी टाइम, लेकिन उसके बाद मैंने सुना तुमसे कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई 1.5 साल में, बहुत कुछ हो गया, तुम्हारा वो जिम वो बिक गया, तुम्हारी गाड़ी बिक गई, तो क्या हुआ क्या सर? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि अगस्त में मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और उनको एडमिट होना पड़ा, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होएगा, एक छोटा सा ऑपरेशन है, और 4 दिन के अंदर घर चली जाएंगी। तो वो ऑपरेशन हुआ सर, ऑपरेशन क्या हुआ, वो गलत हो गया, और गलत होने की वजह से उनको 4 महीने वहाँ रहना पड़ा। 4 महीने क्या, एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस हो रही। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि एक ऑपरेशन हुआ है, उसके जस्ट बाद दूसरा दोबारा कर रहे हैं, वो दूसरा ऑपरेशन किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी को लेके जा रहे थे, जब मैंने देखा उनके जो स्टिचेस होते हैं वो लगे हुए थे यहाँ पे, तो 28-29 थे। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक चीज़ ठीक हो रही थी, एक सही हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे वक्त एक चीज़ सिखा के गया कि जिनको मैं अपना समझता था ना, सबसे ज़्यादा बोलता था कि यार ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो उस टाइम वो भी लोग मेरे से दूर हो गए थे। डेली के कम से कम काउंटर पे 20-25 हज़ार रुपये जमा करना रोज़। तो हुआ क्या था, मेरा काम भी बंद हो गया था, मैंने अपना एक जिम खोला था यहाँ छोटा सा, RM फिटनेस के नाम से, वो जिम भी मैंने सेल कर दिया था मम्मी के चक्कर में। तो मैं हॉस्पिटल में क्या करता था, मम्मी के पास ही रहना, उन्हीं के पास रहना, मतलब काम वाम सब बंद कर दिया था मैंने अपना। वाह, तो रोज़ के 20-25 हज़ार तुम देते थे, तो सोया कहाँ करते थे, सोना ट्रेनिंग वगैरह ये सब? सर सुबह ICU में वो एक ही को रुकने देते थे, वो भी बाहर, तो मेरी जो वाइफ है वो बाहर रहती थी और मैं नीचे गाड़ी में जाके सोता था। फिर सुबह 5 बजे देखा, 5 बजे अपनी प्रैक्टिस करने जाता था मैं। फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, मम्मी के मतलब वहाँ से घर लाने से पहले 15 दिन पहले मेरी गाड़ी ले गए लोन वाले, बोलने लगे कि यार आप लोन नहीं भर रहे हो पिछले तीन चार महीने से। तो मैंने उनको बताया प्रॉब्लम ये है, तो उन्होंने कहा या तो लोन भरो या गाड़ी दो। मैंने कहा भाई मैं पहले अपनी मम्मी को देखूँगा, उनको ठीक करूँगा, आपको गाड़ी लेके जानी है तो लेके जाओ। आज भी मेरे पास उनका वो परफॉर्मा जो गाड़ी दे के जाते हैं ना, वो पड़ा हुआ है कि भाई आप गाड़ी ले जाओ, मैं अपनी माँ को देखूँगा सबसे पहले। तो गाड़ी भी दे दी, जिम भी बेच दिया, तो फिर मम ठीक हो गई? हाँ सर, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ है इसी चीज़ का कि उस टाइम मेरे को लगता भी नहीं था कि मैं ये सोचता था कि इनके अंदर मतलब थोड़ी सी भी जान आ जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा होगी मेरे लिए। सब तो बिल्कुल सही हो गया है। तो फिर जब अक्टूबर नवंबर में वो घर आए तीन चार महीने में, तो फिर तो तुम्हें काम करना था, तो कैसे शुरुआत करी, फिर वहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे?
सर वहाँ क्या था कि मैं सुबह जब अपनी प्रैक्टिस करने जाता था, मैं काम उस टाइम पर भी कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो अपने साथ तो जो लड़के थे साथ में जो करते थे, जो भी स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा गुरुजी हम एक लड़का इतने पैसे पे कर देंगे और हम तीन चार हैं, तो जो वर्कआउट आप कर रहे हो वही करा दो, हमें कुछ अलग भी नहीं करना, हमें बस फिट रहना है। तो उससे मेरा थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा था। फिर मैं एमएचओर ओलंपिया 2000 अभी जो नवंबर में हुआ उसकी प्रिपरेशन भी उस टाइम कर रहा था, क्योंकि माइंड जो है मेरा इतना डिस्टर्ब हुआ पड़ा था कि मैं देखता था एक तरफ अपनी माँ को शीशे में से, फिर मेरा दिमाग घूमता था यार पता नहीं ठीक होएंगी या नहीं होएंगी। और कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे मैं बहुत क्लोज रहा, उनसे हेल्प मांगी, वो दोस्त मेरी मम्मी को 2 महीने बाद देखने आ रहे हैं, 3-3 महीने बाद देखने आ रहे हैं। तो मेरे अपने पक्के दोस्त थे। हाँ, मेरे को उस टाइम पता चला कि यार वाकई में कोई साथ नहीं होता, फैमिली साथ रहे, फैमिली ही सपोर्ट करती है हमेशा। तो तुम अपनी मॉम की, तुम्हारी मॉम आईसीयू में थी। हाँ। और तुम प्रैक्टिस कर रहे थे रात को गाड़ी में सो के, सुबह प्रैक्टिस मतलब शेरू क्लासिक की प्रैक्टिस करने जाते थे। डेली का यही रूटीन था सर, सुबह 5 बजे उठना, 11 बजे तक वो 2-3 लड़कों को कराना अपने साथ। फिर क्या हुआ कि मैं जहाँ जिम करने जाता था, अपना बहुत क्लोज ब्रदर है मतलब, तो वहाँ पे ही नौकरी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा यार मेरे को काम की अभी बहुत ज़रूरत है, तो वो कह रहा है यार मैं तो सैलरी नहीं अफोर्ड कर पाऊँ। मैं कहा भाई तुम्हें जो देनी हो वो दे देना। तो उन्होंने बोला भाई मैं तुम एक टाइम की कर लो, मैं तुम्हें 25-26 हज़ार रुपये दे करूँगा। और उस दौरान मैं काम करा सर वहाँ पे कब, पर मेरे को ये महसूस नहीं हुआ, मुझे जब जाना था वहाँ से, मैं जब निकल जाता था अपने, मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस करने के भी पैसे लिए वहाँ पे, ये सोचो। मतलब वो ये कहते थे कि खाली ओनर कहता है मुझे ही करा दो भाई, आप मुझे किसी से मतलब नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करो। और बहुत सपोर्ट करा एक तरह से, सपोर्ट और हेल्प करी। हाँ। काफ़ी जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी डाइट भी वही मंगाते थे, जैसे कि मुझे सामने अपनी रसोई थी तो वहाँ पे बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह मिलते थे, तो वो सारी जो वेज की डाइट थी डेली की मेरे वही मंगाते थे। काफ़ी उन्होंने हेल्प करी। तो अब मैं देख रहा हूँ तुम्हारी अपनी शॉप है, सप्लीमेंट शॉप है। सर, तो ये कैसे शुरू हुआ है, शुरुआत कैसे हुई? सर शॉप तो पहले भी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिम भी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से तबीयत ख़राब होने की वजह से मम्मी की तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने क्या स्टार्ट किया कि सुबह जैसे ही मम्मी घर आ गई थी, मैं वहाँ से खेल के आया, खेल के आने के बाद मैं डेली सुबह 5 बजे उठना और मैंने पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। और इतना पॉपुलर आपकी वीडियो से भी हो रखा था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के भी लोग मुंबई से, भैया मैं 5,000 रुपये डाल लूँ, अब मेरा 2 महीने की फ़ीस आ गया, आप मेरी डाइट और वर्कआउट बना के भेज दो। तो मैंने जितना भी कराया है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, और सब कुछ अचीव होने के बाद फिर दोबारा भगवान ने दोबारा दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। तो किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए अपने आप पर, मैंने भी नहीं किया, लेकिन टाइम की बात है, कभी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, वो तो टाइम निकल गया, वो कहते हैं ना रात के बाद दिन तो आता ही है। तो अब सब कुछ सही है, बराबर है, बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया दोबारा से। छोटी सी गाड़ी दी थी, बड़ी आ गई, ठीक है। दुकान जो है वो दोबारा से खोल ली है। लॉकडाउन में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लॉकडाउन में भी लोगों को मैं घर पे बिना जिम के किसी सामान के वर्कआउट कैसे करना है मैं वीडियो कॉलिंग पे बताता था उनको। तो माँ के आशीर्वाद में ताकत होती है, मानते हो? तो बिल्कुल होती है, अगर जिसके सर पर माँ का आशीर्वाद है तो वो कुछ भी कर सकते हैं सर। देख लो कैसे, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आपको माँ बाप की सेवा करोगे, उनके साथ जुड़ के रहोगे, उनके लिए वो करोगे जिसके लिए, कहते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए, जिन्होंने उन्होंने आपको पैदा करा, तो आप कभी आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। कौन कह सकता है कि नवंबर में, आज से कुछ महीने पहले जब इनका सब कुछ बिक चुका था, जैसे कहते हैं ना जिम चला गया, पैसे चले गए, 40-45 लाख का खर्चा हो गया। सर उस दौरान एक और हुआ था कि मेरे पास 2 घर थे उस टाइम, तो मैंने एक घर सेल कर दिया था अपना, मतलब एक प्लॉट था वो मम्मी के चक्कर में सेल कर दिया था। लेकिन अब यही है कि अब कभी माँ सलामत है तो पता नहीं कितने प्लॉट ले लेंगे दोबारा। तो सब अपनी मेहनत से ही करा था, आपको भी पता था पिछली जो स्टोरी थी मेरी, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता था, मैंने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, फादर साहब थे, काम करते थे, लेकिन एजुकेशन पर भी ध्यान दिया उन्होंने। तुम्हारे फादर मुझे याद है रेडी का काम करा, क्या करते थे? लेबर क्लास आदमी थे मेरे फादर, और मंडी में छोटा सा मतलब ठिया लेके रेडी वेडी का काम करते थे। तो पापा रेडी का काम किया करते थे। हाँ नहीं, वो तो मतलब वो तो पास थे ना, शुरुआत तुम्हारी वहाँ से हुई है ना। तो मुझे याद है वो पिछले वीडियो में उन्होंने बात बताई थी, और तुमने भी वेटर का काम कर रखा है चिकन विकन के लिए, याद है मुझे? वेटर का काम किया था मैंने, और कुछ कमेंट्स भी देखे वहाँ पे लोगों को, जो डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं ना, तो कहते हैं ये फेक स्टोरी है। और ये जब जिसके साथ बीती हो वही बता सकता है कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था। जो काम करता है ना वही समझ सकता है। तो वही बात है, कई लोगों को लगता है कि कोई ऐसा वहाँ से कैसे उठ के आ सकता है, राइट? लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की सोच लो ना, और जैसे कहा माँ बाप का आशीर्वाद हो,
तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। उस दौरान भी सर प्रैक्टिस जब करता था, जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो पीछे ना छिल जाता था, मतलब इतने ऐप्स इतने बिना सामान के मैं इतनी मेहनत करता था कि सारे कपड़े जो है ना ऐसे कमर पे हाथ लगाया तो देखा यार इतने सारे मार दिए हैं कि कमर छिल गई है पूरी। हाँ, ऐप्स मार मार के पपड़ी उतरने लग जाती थी। तो इस चीज़ को भी लोग ये सोचेंगे कि ये अपने आप को आगे बढ़ा रहा है या बता रहा है, लेकिन अगर जो मेरे बारे में जानता है, जो मेरा पिछला पास्ट जानता है, जहाँ से मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है, कॉलेज कंप्लीट किया, जहाँ मैं रहता हूँ, तो उन लोगों को बताया कि हमने कितना स्ट्रगल कर रखा है। और बॉडी बिल्डिंग से मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जीभ का स्वाद छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सर देख लिया आपने राज की स्टोरी है, तो दिस इज़ व्हाट इंस्पायरिंग स्टोरीज आर। बट बस मैं हमेशा वही बात बोलूँगा आपको, अपने सपनों पे हार मत मानना, कुछ भी लाइफ में कर सकते हो यार, बस अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लो। और हाँ, अपने माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर रखो अपने साथ और उनकी सेवा करो, उनके लिए कुछ भी करो। राज अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दोबारा बता दो। मेरा राज माथुर ऑफिशियल के नाम से है इंस्टाग्राम। एक्चुअली हुआ क्या था सर, मैंने इंस्टाग्राम चलाता नहीं था, मैं फेसबुक पे ही ध्यान देता था। लोग बोलते भी थे इंस्टाग्राम चला, आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा। जब आपके साथ वीडियो किया उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम, मैं देखता हूँ ना जो साथ के दोस्त हैं बॉडी बिल्डर हैं यार, अभी यार इतने सारे फॉलोअर इसके, तो वो थोड़ा सा लगता है। अच्छा, तुम्हारे को हेल्प मिलेगी ना, तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी। कुछ भी आपके सवाल हो उनसे ढेर सारे सवाल करिए, कुछ भी, हम श्योर आपको राज हेल्प भी ज़रूर करेंगे।